कश्मीर से धारा 370 के खत्म किए जाने के बाद इसका पहला असर व्यवसाय पर पड़ा है। लुधियाना से जिन लोगों का कारोबार कश्मीरी व्यापारियों से जुड़ा हुआ था, उन व्यापारियों का कहना है कि उनके माल की सप्लाई फिलहाल के लिए बंद हो गई है। और जो कश्मीरी व्यापारी दोनों तरफ से उधार माल उठाकर अपना व्यवसाय करते थे, उनका कहना है कि उन्हें ना कोई उधार माल दे रहा है और ना ही कोई उनसे अभी सप्लाई की मांग कर रहा है। और कई कश्मीरी व्यवसायियों का कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सही प्रभाव के बारे में 6 महीने के बाद ही पता चलेगा कि कारोबार चलेगा या फिर ठप हो जाएगा या फिर पहले से भी बेहतर हो जाएगा। फिलहाल इस बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी। बिजनेस ही खत्म हो गया। बिजनेस पर असर यही है कि बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पहले हम लोग उधार लेते थे, उधर भी लेते थे, इधर भी लेते थे, लेकिन बात यह है अब लोग देने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी बात ये जो रकम हमारी उधर इधर कहीं फंसी कश्मीर में, कहीं और भी फंसी, वो मिलनी नहीं। अब व्यापार क्या रह गया? व्यापार कुछ भी नहीं रह गया। अल्ताफुर रहमान मतवली जामा मस्जिद खानदानी दो मस्जिद मौजपुरा बाजार लुधियाना। मगर इधर नतीजे जड़े आ वो 6 महीने बाद नज़र आएंगे, कारोबार दे सियासत दे विचार दे हालात दे और उत्ते की हालात रहेंगे। ये 6 महीने अंदर सारा कुछ अवगत हो जाएगा। इस करके इस बारे विचार करना, उन्हें कुछ दसना पढ़ना, ये नहायत ही बेवकूफ़ी है। असी साडा वो जड़ा है काम एक बार बंद हो गया, जदों हालात ठीक होंगे उस तो बाद हो सकता है कि ज़्यादा चलन, हो सकता है कि ना चले, हालात के उत्ते डिपेंड करता है। तो मैं ये बेनती है सरकार को भी जल्दी तो जल्दी हालात जोड़े नॉर्मल हो, जो सा कारोबार है वो चले।